हाय फ्रेंड्स, सबको नमस्ते। मैं धनंजय पार्क, महाराष्ट्र, इंडिया। ये फोर्ड एस्पायर पेट्रोल, इसका टोटल सर्विसिंग है। खाली गियर ऑयल और कूलेंट नहीं होगा, कूलेंट चेक करके चेंज करेंगे। गियर ऑयल भी चेक करेंगे, गियर ऑयल नहीं चेंज होने वाला, खाली चेक करने वाले है। ब्रेक ऑयल, इंजन ऑयल चेंज होगा, हेडलाइट कटआउट डालेंगे और ब्रेक सर्विस चारों व्हील खोल के। किलोमीटर देख लेते हैं, आप देख सकते हैं 58,000 किलोमीटर हुआ है और थोड़ा एवरेज का भी इशू है। तो इसके प्लग, एयर फिल्टर, सेंसर, मैप सेंसर, थ्रोटल बॉडी क्लीन होगा। बाकी वॉशिंग, टॉप वॉश और डोर ग्रीसिंग और वो हो जाएगा। पेट्रोल एक्सपायर, इसका एक्सेस गैस जो तैयार होता है ना इंजन में, ये पाइप से होके ये एयर फिल्टर में जाता है फिर से, और फिर से फिल्टर होके फिर से इंजन को जाएगा इधर। तो ये खोला मैंने, तो इधर फिल्टर आता है, एक छोटा सा एयर फिल्टर भी आता है। ये फिल्टर है, तो फिल्टर क्लीन करके लगा देंगे फोर्ड मोटोक्राफ्ट। तो इसको क्लीन करके लगा देंगे और ये फिल्टर भी क्लीन करके हम लगा देंगे और इसको भी क्लीन कर लेंगे। ये क्लीन कर दिया है, आप देख सकते हो पूरा क्लीन हो चुका है, फिल्टर भी अंदर क्लीन हो चुका है। तो ये एक्सेस गैस निकलता ना, ये पूरा नहीं निकला तो फिर इंजन पे लोड आएगा और एवरेज का और इसका इशू देगा। तो ये अभी यहाँ पे इसका पोजिशन है, ये लगा दिए फ्रेंड्स, खोल चुका है अभी सर्विसिंग में। देखिए अभी प्लग और वो खोल लिया है, इसका प्लग का गैप पड़ चुका है चारों का, तो ये क्लीन करके गैप एडजस्ट करके हम लगा देंगे, मतलब एवरेज क्लियर हो जाएगा। और ये मैप सेंसर है, मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर, तो इस पर थोड़ा सा ऑयल का लेयर आ चुका है, थोड़ा डस्ट भी है इस पर, तो ये भी क्लीन होगा, मतलब एवरेज को बॉडी भी क्लीन होगा। इसको भी हम क्लीन करेंगे और छोड़ देंगे। ये 12-13 का रिंग पान है, इधर 13 का बोल्ट है, तो ये लूज होगा इस साइड, राइट साइड। खुल गया, ये लूज कर देंगे और ऑयल छोड़ देंगे। और सस्पेंशन नीचे का भी चेक कर लेना है, इसका पोजीशन याद रखना है, और स्पैनर भी बिल्कुल सही जगह पे सही यूज होना चाहिए, नहीं तो ये बोल्ट के ऊपर के टैप आते हैं ना फ्रेंड्स, ये खराब हो जाता है जिधर स्पैनर बैठते हो। ऑयल पूरा गंदा हो चुका है, इसको 3-1-2 लगा के लगा देंगे बोल्ट को, मतलब ज़्यादा टाइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और लीक भी नहीं रहता है। ऑयल जब तक ड्रेन हो रहा है तब तक ऑयल फिल्टर भी खोल लेंगे। ऑयल फिल्टर लूज हो चुका है, देखिए ऑयल फिल्टर भी अभी खोल दिया है। अभी जब तक ऑयल फिल्टर और ऑयल ड्रेन हो रहा है तब तक हम बाकी का चेक कर लेंगे। ऑयल फिल्टर सोफीमा का डालेंगे, UFI। सील पैक था, सील फोड़ दिया है, वीडियो ऑन नहीं हुआ था, पकड़ो अजीत। अभी ये गैसकेट को इधर ऑयल लगा देंगे और फिर फिल्टर लगाएंगे। इससे ना ये रबर गैसकेट कट नहीं होता है और फिल्टर भी बराबर टाइट हो जाता है। मोबिल का ऑयल APISN B5, अभी B4, B5, B6 ऐसा आता है, लेकिन अभी तक तो B5 चल रहा है। ये पेट्रोल एंड डीजल कार को चल जाता है, सुटेबल फॉर ऑल इन वन प्रोटेक्शन फॉर्मूला, फुल्ली सिंथेटिक इंजन। फिल्टर की जगह अभी क्लीन है तो फिल्टर लगा देंगे
और टाइट करने के, ऑयल ड्रेन हो रहा है और ये जगह भी क्लीन करना है पूरा। ये ऑयल ऑयल हो चुका है पूरा, तो ये क्लीन होगा। ऑयल फिल्टर के हो चुका है पेट और ये भी क्लीन हो चुका है। और नीचे का भी चेक कर लेना है, इसका सस्पेंशन वो ओके क्योंकि 58,000 किलोमीटर हुआ है, लेकिन एक बार नीचे से अंडर बॉडी भी चेक कर लेंगे। कुछ लोअर आर्म को कुछ लगा है या रबर कट है एक्सल के, ऐसा कुछ। साइलेंसर को कुछ फटका लगा है, ये भी कुछ, इसको भी कुछ लगा हुआ नहीं है, तो ओके है। रबर पार्ट सब ओके है। कूलेंट के नीचे से बॉडी भी कुछ लगा हुआ नहीं है, तो अभी ये लगा। ऊपर से एक बार हवा मारेंगे, जितना हो सके उतना ऑयल निकल जाएगा। मारो अजीत हवा, देखिए फ्रेंड हवा मारने पे ऑयल कितना निकल रहा है। रुक जाओ अजीत, मारो फिर से, आप देख लो फ्रेंड पूरा ऑयल निकल रहा है। अभी डिसम्बर में ना थोड़ा बहुत ऑयल रहता है, 100-150 ग्राम, तो पूरा निकल जाता है। और कुछ कुछ हेड में या चिम्बर नट को अभी सीलेंट लगा दिया है, 3.2 ग्रे वाला, तो इससे ऑयल लीक नहीं होगा। चिम्बर नट लगा देंगे, ज़्यादा टाइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ऑयल लीकेज भी है ना नहीं होता है, और बोल्ट भी ख़राब नहीं होता है चेम्बर का ऑयल का। तो ये अभी टाइट कर देंगे नॉर्मल, इसमें ओके। इसको क्लीन कर लेना है, अभी हम इसको क्लीन कर दिया है तो सीलेंट देख सकते हैं आप। तो ओके ये हो चुका है, अभी ऑयल डाल देंगे, इंजन ऑयल चालू कर लो। अभी इंजन ऑयल डाल देंगे मोबिल 3.5 लीटर, इतना बढ़ता है लेवल देखते हैं। अभी B5 ऑयल डालेंगे 3.5 लीटर ये और 0.5 लीटर वो। तो लेवल आ चुका है, लेवल आप देख सकते हो यहाँ तक। यहाँ तक लेवल चाहिए, यहाँ तक लेवल चाहिए आप देख सकते हो। तो लेवल आ चुका है, अभी इंजन ऑयल हो चुका है, बाकी गियर ऑयल और वो चेक करेंगे। कूलेंट अच्छा है, ब्रेक ऑयल ड्रेन छोड़ देंगे 8 का, तो इसको खोल दिया है, कर दिया है। अभी सेम लेफ्ट साइड भी ड्रेन कर देंगे, इधर कैप आता है वो कैप निकालना है। कैप निकाल लिया, 8 का रिंग से ये खोलेंगे। लूज कर दिया है, ब्रेक ऑयल ड्रेन होता रहेगा और आगे का भी है कैलिपर का, तो कैलिपर का भी हम छोड़ देंगे आगे सेम कैप। इससे क्या होता है ना, ब्रेक ऑयल एक 10,000 या ऑयल चेंज करते टाइम किया ना, तो रबर पार्ट कैलिपर के और व्हील सिलेंडर के खराब नहीं होते है और लाइफ भी अच्छी बनी रहती है और ब्रेक भी अच्छा लगता है। व्हील सिलेंडर जाम नहीं होता है क्योंकि इसमें भी मॉइस्चर जमा होता है ऑयल में, ब्रेक ऑयल में, तो फिर ये करना चाहिए। कैप निकाल दिया है, अभी 11 का पाना बैठेगा, खोल दिया, ब्रेक ऑयल ड्रेन होता रहेगा तब तक हम पीछे के ड्रम निकाल लेंगे और हवा मार के क्लीन करेंगे और ब्रेक लाइनर और ब्रेक पैड चेक कर लेंगे। देख सकते हो इसमें पाउडर कितना है,
तो ये पाउडर के वजह से भी व्हील जाम रहता है। इधर भी पाउडर है तो इसको हम पॉलिश पेपर मार के हवा मार के क्लीन करके ओके। लाइनर भी ओके है और ड्रम भी ओके है, ड्रम में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो क्लीन करके लगा देंगे। सेम राइट साइड लॉन्ग सेम देख सकते हो आप, इसमें भी पाउडर है तो ये पाउडर क्लीन होना चाहिए। देखिए पाउडर और सेम ये साइड भी ओके। सिलेंडर ओके है, लाइनर भी ओके है, चलेंगे। शॉकअप ओके, ये साइड वो साइड नॉर्मल लीक है, इतना कुछ इश्यू नहीं है। ब्रेक ऑयल ड्रेन हो रहा है, ब्रेक ऑयल ड्रेन हो रहा है तब तक हम लाइनर को पॉलिश पेपर मार लेंगे और क्लीन कर लेंगे। पेट्रोल क्लीनर, पेट्रोल एडिटिव हम डाल देंगे इसमें, पेट्रोल एडिटिव। इससे ना इंजेक्टर और पेट्रोल लाइन क्लीन रहता है, इंजेक्टर भी क्लीन रहता है और एवरेज भी अच्छा मिलता है। रोत फोड़ दिया, पेट्रोल एडिटिव ड्रेन हो रहा है, ब्रेक ऑयल भी अभी तक ड्रेन हो रहा है। ब्रेक ऑयल डाल देंगे, लेवल करेंगे। सेम आगे ही ब्रेक ऑयल ड्रेन हो रहा है, ब्रेक सर्विस भी हो चुका है, पॉलिश पेपर मार के क्लीन कर दिया ड्रम और वो। तो अभी हम इसको फिटिंग कर देंगे। अजीत उधर के ड्रम लगा डाल, आगे के कैलिपर पर ग्रीसिंग होंगे और ब्रेक पैड क्लीन करके फिटिंग कर देंगे। ब्रेक ऑयल हो चुका है, इससे है ना व्हील फ्री रहता है और पिकअप भी अच्छी तरह से लेता है व्हील फ्री रहने की वजह से, और एवरेज भी अच्छा देगा। तो ब्रेक सर्विस भी सर्विसिंग में होना जरूरी है, चारों व्हील खोल के ब्रेक सर्विस होगा। तो हो चुका है पीछे का व्हील, देखिए ब्रेक पैड ओके है, खाली पॉलिश पेपर मार के लगा देंगे, कैलिपर को ग्रीसिंग करके फिटिंग करेंगे। ये कैलिपर पिन ग्रीसिंग हो जाता है तो इससे भी प्रॉब्लम नहीं आता। इधर ग्रीस भर देंगे, इससे ना पिन भी फ्री रहता है, रस्ट लगने की वजह से जाम नहीं होगा, ब्रेक पैड भी जल्दी ख़राब नहीं होते और व्हील भी फ्री रहेगा। तो इधर ग्रीस भरना है, थोड़ा सा ग्रीस नट को ओके। ब्रेक पैड पॉलिश पेपर हो चुका है, ब्रेक पैड को तो अभी ब्रेक पैड लगा देंगे, फिटिंग कर देंगे। राइट का भी हो गया है, लेफ्ट का भी अभी फिटिंग कर रहा है ब्रेक पैड। ग्रीसिंग भी हो चुका है ओके। व्हील लगाने के बाद नट का जो पोजीशन है ना, ये पोजीशन अंदर बाजू आएगा और प्लेन बाजू बाहर आएगा। ये प्लेन चारों व्हील पहले हाथ से भिड़ा लेना है और फिर गन से टाइट करना है। तो चारों लग चुके हैं, अभी टाइट कर देंगे। चारों व्हील हो चुके हैं टाइट फाइनली पूरा। अभी थ्रोटल बॉडी में आप कार्बन देख सकते हो कितना है, देखिए थ्रोटल बॉडी पूरा चोकअप है। तो इसको हम क्लीन कर लेंगे, क्लीन तो हो ही रहा है और क्लीन करेंगे उसको अच्छी तरह से। ये हो चुका है, इसको हवा मार के लगा देंगे। आप देख सकते हैं पूरा क्लीन हो चुका है, टॉर्च लगाते हैं, देखिए कुछ भी नहीं रहा, अभी पूरा क्लीन हो चुका है। तो हो गया है ये कार्बोरेटर स्प्रे और ये सेंसर भी। तो अभी हवा मार के हम लगा देंगे, इससे आपका एवरेज पिकअप
ओके हो जाता है। प्लग गैप एडजस्ट हो चुका है, क्लीन भी हो चुका है, फिलर गेज से लिया हुआ है तो हो चुका है। कंपनी, हर कंपनी का अलग अलग गैप आता है, लेकिन मैं फिलर गेज से एक ही सब का ले लेता हूँ पेट्रोल के लिए। सीएनजी और एलपीजी के लिए थोड़ा गैप ज़्यादा रहता है, तो हो चुका है। अभी सब फिटिंग कर देंगे। ये भी एयर फिल्टर हो चुका है फिटिंग, मैप सेंसर फिटिंग हो गया है, मैप सेंसर। तो अभी प्लग लगा देंगे और एसी फिल्टर खोला है। एसी फिल्टर की हालत देख लो आप, उसमें डस्ट है, तो इसको क्लीन करके लगा देंगे। एसी फिल्टर की हवा पूरा डस्ट है, एसी फिल्टर की वजह से एसी कूलिंग अच्छी तरह से नहीं देगा, हवा प्रॉपर नहीं जाएगा। तो ये राइट साइड में आता है स्टीयरिंग साइड, क्लच साइड, इधर से एक 30 का स्क्रू खोलना है, 30 नंबर स्टार स्टार वाला, और अंदर भी 3 स्क्रू है तो वो भी खोल लेना है। अंदर ये साइड आता है, ये भी खोल लेना है। तो ये खोल के फिर ये निकलता है, इसको भी क्लीन करके लगाएंगे और इसको भी क्लीन करेंगे एसी फिल्टर, तो एसी कूलिंग अच्छा देगा। हो गया, अभी फिटिंग कर देंगे। तो हो गया है, अभी एसी ऑन करके चेक करेंगे कूलिंग कैसा है। ना ब्रेक, पीछे का ब्रेक चेक करो, इंडिकेटर चेक करो, पीछे 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 ब्रेक लाइट और वो रिवर्स ब्रेक लाइट, इंडिकेटर, वाइपर भी ओके है, पानी ओके, चालू है ब्रेक लाइट, रिवर्स रिवर्स ओके। तो ये अभी सब ओके है, खाली हेडलाइट बल्ब और कटर डालेंगे और गियर ऑयल चेक कर लेंगे एक बार। आउट बॉश, हेडलाइट कट आउट, हेडलाइट बल्ब, ओसराम, एक्स्ट्रा ब्राइट। आप बल्ब की क्वालिटी देख सकते हैं, ओसराम ओसराम 190। तो ये फिटिंग करेंगे। अभी हो गया फिटिंग, हेडलाइट कटआउट। अब इसको टाई क्लिप में अटका के इसको छोड़ देंगे। ये हो गया, इधर भी टोटल प्रॉपर हो गया। एक मिनट सर, अजय ओके, अपर डिपर ओके है, खोल लिया। तो ऑयल अच्छा है, चलेगा, तो लगा देंगे। एक कवर खोलना पड़ता है, डस्ट कवर, उसके बाद इधर के एयर ऑयल चेक करने का आता है, और ये ड्रेन नट। तो अभी फिलहाल चलेगा, तो नेक्स्ट टाइम चेंज होगा कूलेंट और गियर ऑयल। हो गया फिटिंग, डस्ट कवर और गियर ऑयल भी ओके है। तो अभी गाड़ी नीचे ले लेंगे, नट बोल्ट सब ओके है, कैलिपर सब हो चुका है, फाइनली ऑयल लीकेज भी नहीं है। तो अभी वॉशिंग को दे देंगे। वॉशिंग करके आ चुका है फ्रेंड्स गाड़ी, पूरा स्पायर फुल वॉशिंग, तो देख सकते हो चुका है। तो अभी चेक कर लेंगे, डोर ग्रीसिंग हो चुका है, डोर ग्रीसिंग भी कर दिया। ये पट्टी पे इधर लगाना है डोर ग्रीसिंग, इसको डोर ग्रीसिंग करना है इधर, ये साइड भी सेम, ये पट्टी के इधर आप देख सकते हो। तो सब हो चुका है, इंटीरियर उनको करने बोलना है।
प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक यू फ्रेंड्स.